यदि मोदी मोदी करे तो रात को खाना मत देना। अरविंद केजरीवाल ने महिलाओं से की आपको वोट देने की अपील। जी हां, आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी ने शनिवार को दिल्ली के सिविक सेंटर में आयोजित महिला सम्मान समारोह के साथ अपने लोकसभा चुनाव अभियान की शुरुआत की। इस बार के बजट में महिला सम्मान योजना की घोषणा के बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल टाउन हॉल सेशन में दिल्ली की महिला मतदाताओं से मुखातिब हुए। बता दें कि अरविंद केजरीवाल सरकार ने इस साल के बजट में मुख्यमंत्री सम्मान योजना के तहत दिल्ली के महिला मतदाताओं के लिए प्रति माह 1,000 रुपए देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने महिला मतदाताओं से आगामी लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के लिए बड़ी संख्या में वोट करने का आग्रह किया। केजरीवाल ने कहा, इस बजट में हमने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए एक बड़ी योजना का ऐलान किया है। अब तक सशक्तिकरण के नाम पर फ्रॉड चल रहा था। अब तक पार्टी की एक महिला को कुछ बना देते थे और कहते थे कि महिलाओं का सशक्तिकरण हो रहा है। मैं अब हर महिला के पर्स में हर महीने 1,000 रुपए डालूंगा। खाली पर्स से सशक्तिकरण नहीं होता है। एक परिवार में अगर 3 महिला हो तो तीनों को ही इसका लाभ मिलेगा। जब से इस योजना का ऐलान हुआ, सब जगह बातें हो रही हैं कि दिल्ली में अब 7 सीट है केजरीवाल की। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने आगे कहा, लेकिन ये सोचकर घर नहीं बैठना, वे बहुत बदमाश है। क्या पता ईवीएम में कुछ कर रखा हो, लेकिन अगर उससे 10% वोट इधर उधर हो तो हमें 20% ज्यादा के लिए काम करना है। अब ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने पतियों, भाइयों, पिता और इलाके के अन्य लोगों को उस व्यक्ति को वोट देने के लिए मनाएं जो उनके लाभ के लिए काम कर रहा है। अगर आपका पति मोदी मोदी करे तो उसे रात का खाना मत देना और अपने सिर की कसम दे देना। इसके बाद तो हर पति को अपनी पत्नी की बात माननी पड़ेगी। उन्होंने कहा कि 18 साल से अधिक उम्र की सभी महिलाओं को 1,000 रुपए देने की आप सरकार की योजना उन्हें आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाएगी। उन्होंने कहा कि एक ही परिवार में यदि कहीं पात्र महिलाएं हैं तो वे भी इस योजना का लाभ उठा सकती हैं। विपक्ष पर निशाना साधते हुए केजरीवाल ने कहा, वे भाजपा कहते हैं कि ये योजना महिलाओं को बर्बाद कर देगी। वे कहते हैं कि केजरीवाल दिल्ली की प्रत्येक महिला को 1,000 रुपए देकर पैसा बर्बाद कर रहे हैं। मैं उनसे पूछता हूँ कि आपने बहुत सारे लोगों के बड़े कर्ज माफ कर दिए, क्या वह गलत नहीं था? इस खबर को देखकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। न्यूज डेस्क से प्रिया।